अनंत चतुर्दशी महोत्सव पर कोटा में हर साल की तरह इस साल भी भव्य जुलूस निकाला गया। 5 किलोमीटर लंबे जुलूस में हर तरफ से गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों की गूंज सुनाई दी। अनंत चतुर्दशी के इस जुलूस की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस जुलूस में कई विशाल प्रतिमाएं गणपति की मौजूद थी। वहीं अखाड़े बाजों ने करतब दिखाया और जुलूस में शामिल की गई झांकियों को देखने के लिए शहरवासी श्रद्धालु पहुंचे। ड्रोन की तस्वीर भी जुलूस की भव्यता को दर्शा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधायक संदीप शर्मा, पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल सहित कई नेता भी इस जुलूस में शामिल हुए। जुलूस सूरज पॉल से शुरू होकर परकोटे क्षेत्र से होते हुए किशोर सागर तालाब के विसर्जन स्थल पर पहुंचा, जहां गणपति की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पर्व ईद मिलादुन्नबी पर आज कोटा में भी धूम रही। मुस्लिम समुदाय ने बड़ी शिद्दत के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाया। मस्जिदों और मदरसों में चलसों के आयोजन किए गए, तो वहीं सब्जी मंडी से लेकर नयापुरा तक ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें अकीदतमंदों ने शिरकत की। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना फजलियात के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल ने भी शिरकत की और मुस्लिम समुदाय को ईद मिलादुन्नबी पर्व की मुबारकबाद दी। ऑल इंडिया सीएस कमेटी की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर निकाले जाने वाला जुलूस शुक्रवार को निकाला जाएगा। कोटा में आज एक महिला गार्ड ने ऑटो चालक की डंडे से जमकर पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक महिला गार्ड सीपीओ छावनी फ्लाईओवर के नीचे ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान ऑटो चालक ने बीच रास्ते में ऑटो खड़ा कर दिया और जब उसे ऑटो हटाने के लिए बोला गया तो उसने महिला सुरक्षा कर्मी से अभद्रता की। यही नहीं, ऑटो चालक ने महिला पर चाकू से वार करने का भी प्रयास किया। इस दौरान वहां राहगीरों की भीड़ जुट गई। महिला सुरक्षा कर्मी ने डंडे से ऑटो चालक की पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक नशे में धुत था। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। कोटा देहात कांग्रेस के दिग्गज नेता हरिप्रकाश शर्मा आज अनंत चतुर्दशी महोत्सव के तहत सांगोद में निकलने वाले भव्य जुलूस में शामिल हुए और जुलूस में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस नेता हरिप्रकाश शर्मा ने अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सांगोद में निकले भव्य जुलूस में मौजूद श्रद्धालुओं को अनंत चतुर्दशी महोत्सव की शुभकामनाएं दी और गणपति बप्पा को विदाई देते हुए अगले वर्ष जल्दी आने की कामना की। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।